सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इसके प्लान के बारे में। ये कहानी है रे ब्रेसलिन की। रे कभी एक वकील हुआ करता था, लेकिन फिर उसने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी बैठाई और ये एजेंसी चेक करती है जेल की सिक्योरिटी को, क्या उस जेल से कोई भाग सकता है या फिर नहीं। और उसके लिए रे जाता है जेल के अंदर और वो एक कैदी बन करके जाता है और किसी को भी पता नहीं होता कि ये एक कैदी नहीं है। और जब रे उस जेल से भाग जाता है तब वो जेल अपनी सिक्योरिटी को और भी बेहतर बनाता है। लेकिन रे के एक काम के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बाद रे को भी पता नहीं लगता कि अब वो क्या करे। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं एक जेल में, और रे इस जेल में कई दिनों से है और वो अब अपने काम पे लगा हुआ है कि वो कैसे भी यहाँ से भाग जाए। और उसे पता है कि जेल के सारे लोग कितने हिंसक हैं, इसलिए वो जानबूझ करके उन्हें टोंट भी मारता है। इसलिए रे के बगल में जो आदमी रहता है वो रे पे बहुत ही बुरी तरीके से भड़का हुआ है और रे भी यही चाहता है। इसलिए जब अगले दिन रे बाहर निकलता है तब वो आदमी अपने एक साथी के साथ रे पे हमला कर देता है, लेकिन वो लोग रे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उल्टा रे ही उन्हें बहुत पीटता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो इन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद सजा के तौर पे इन दोनों को वो डाल देते हैं आइसोलेशन वार्ड में और इन्हें छोटे छोटे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। और यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हम देखते हैं कि रे के हाथ में यहाँ पे एक किताब भी होती है जो एक बाइबल है। लेकिन रे यहाँ पर भी चौकन्ना है और वो आसपास की चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है, क्योंकि वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। इसीलिए वो सबको बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और जब यहाँ से गार्ड्स बाहर जाते हैं तब वो अपने मन में गिनती करने लगता है कि यहाँ से गार्ड्स कितनी देर के लिए हटते हैं। और देखते ही देखते रे सारी चीजों के कैलकुलेशन लगा लेता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और रे की प्लानिंग भी आगे बढ़ने लगती है। इसलिए वो बार बार लड़ाई करता है ताकि उसे आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाए। और अब रे को एक बार फिर से आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है, लेकिन रे ने यहाँ पे टॉयलेट पेपर के बहुत सारे गोले बनाए हैं। और आज ये वही समय है जब रे यहाँ से भागने वाला है। और जब सारे गार्ड्स बाहर ब्रेक पे जाते हैं तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी हम रे को देखते हैं और अब रे ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले कपड़े पहने हैं और वो भी बाहर आ चुका है और उसके लिए बाहर एक गाड़ी खड़ी है। इसीलिए वो गाड़ी में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे हम दो और लोगों को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये रे के पार्टनर है। यहीं पे एक लड़की है जिसका नाम है एबीगेल और एक लड़का है जिसका नाम है हुश। और हुश एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और वो किसी भी सिस्टम को तोड़ने में माहिर है और किसी की भी जानकारियां निकालने में। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाते हैं रे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और प्लान के मुताबिक ये दोनों रे को यहाँ पे ड्रॉप करके चले जाते हैं। तभी रे जाता है एक पीसीओ की तरफ और वहाँ से किसी को कॉल करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला रे को देख लेता है और रे ने अभी भी कैदियों के कपड़े पहने हैं, इसीलिए उसे शक हो जाता है। फिर वो पुलिस वालों को खबर कर देता है और अब देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले आ जाते हैं। तब तक रे उस आदमी को कॉल कर देता है जिसे वो कॉल करना चाहता था। और यहीं पे हम देखते हैं रे के तीसरे साथी को जिसका नाम है लेस्टर। और अब लेस्टर इन पुलिस वालों से डील करता है। फिर जल्दी रे और लेस्टर पहुंचते हैं उसी जेल में जहाँ से रे अभी अभी भागा था। और अभी ने देखने के बाद ये वार्डन चौक जाता है और वो रे को देख करके कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब रे अपना असली नाम बताता है और वो अपना काम भी बताता है कि आखिर वो जेल में क्यों आया था और जेल में आने के लिए उसने गलत नाम बनाया था और उसके साथ साथ उसके नए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। और अभी वार्डन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो रे से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से भागे कैसे। तब रे इसकी जेल की पूरी डिटेल्स बताने लगता है और कहता है कि जब भी वो आइसोलेशन वार्ड में जाता था तब वहाँ के जो गार्ड्स थे वो 7 मिनट का ब्रेक लेते थे और वो अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था आइसोलेशन वार्ड को खोलना और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे सुबह सुबह मिल्कशेक मिलता था और उसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ था। इसीलिए जब मैं आखिरी बार पहुंचा आइसोलेशन वार्ड में तब मैंने उसे सिक्योरिटी कीपैड के ऊपर चिपका दिया और मैंने टॉयलेट पेपर से गोले बनाए थे जिसे मैंने पीपहोल के ऊपर चिपका दिया था ताकि मैं पीपहोल को खोल सकूं। फिर जैसे ही गार्ड वहां से बाहर निकला मैंने पीपहोल को खोल लिया और उसके बाद उस रैपर को बाहर निकाला और मुझे उससे पता लग गया कि कौन कौन से नंबर्स दबाए गए हैं। और वहां से बाहर निकलते ही मैंने सिक्योरिटी में छेड़छाड़ की और मेरे जो अंदर बैठने की रिकॉर्डिंग थी उसे मैंने रिप्ले पे डाल दिया। इसीलिए सिक्योरिटी वालों को कुछ पता नहीं चला कि मैं वहां से गायब हूं। और अब मुझे वक्त मिल गया 7 मिनट का जब तक गार्ड्स वापस नहीं आते, इसीलिए मैं वहां से बाहर भागने लगा और मैं एग्जॉस्ट की तरफ से होकर के बाहर आ गया। और आखिरी काम किया मेरे साथियों ने यहाँ पे ब्लास्ट करके। तभी यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स वाले आ गए और मैंने उनके कपड़े पहन लिए और आसानी से बाहर निकल गया। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब वार्डन दंग रह जाता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस काम के लिए रे अब इनसे $5 मिलियन लेने वाला है। लेकिन क्लार्क यहाँ पे वार्डन से कहता है कि ये पैसे हम ब्यूरो ऑफ प्रिजन से लेंगे क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम करते हैं और उन लोगों ने ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद जब ये लोग ऑफिस में होते हैं तभी यहाँ पे एक CIA एजेंट आती है जिसका नाम है जेसिका मिल्लर और उसके पास रे के लिए काम है और वो चाहती है कि रे एक और जेल में जाए और ये जेल अब तक की सबसे बड़ी जेल है और दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को इस जेल में रखा जाएगा जिनके भागने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए वो लोग रे को हायर करना चाहते हैं ताकि रे इस बात की पुष्टि करे कि उस जेल से कोई नहीं भाग सकता। और वैसी जेल अब तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी है और इस तरीके का ये पहला जेल है। और जेसिका ये भी कहती है कि हम अंदर का भी मुआयना करना चाहते हैं कि वहाँ पर कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और इस काम के लिए तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे, जितना तुम्हारा नॉर्मल चार्ज है उससे सीधा दुगना। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये लोग दुगना पैसा क्यों दे रहे हैं।
तब जेसिका यहाँ पे अपनी शर्तें बताना शुरू करती है और कहती है कि यह काम आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से करना पड़ेगा। इस बार हम आपको या फिर आपकी टीम को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि वो जेल कहाँ पे है और आप अंदर किसी की भी मदद नहीं ले पाएंगे और आपको एक नॉर्मल कैदी की तरह रहना पड़ेगा और तब अगर आप वहाँ से भाग सके तब हम आपकी जीत मानेंगे। लेकिन इस बात को सुनते ही अबिगेल कहती है कि नहीं, हम ऐसे ही इसे कहीं भी नहीं भेज सकते जहाँ हमें पता ही ना हो कि अभी कहाँ पे है। और हुश भी इस बात के लिए मना करने लगता है और कहता है कि ये काम बहुत ही रिस्की है क्योंकि ये जेल का मामला है। लेकिन अब क्लार कन्विंस करने लगता है रे को और रे भी मान जाता है क्योंकि रे को चैलेंजेस पसंद है। इसीलिए अब इसकी टीम अपना काम शुरू कर देती है और ये लोग सबसे पहले रे की यहाँ पे एक नई आईडी बनाते हैं और इस बार उसकी आईडी होती है एक माफिया की जिसने पूरी दुनिया में गन्स और बारूद भेजा है और वो बंदूकों की तस्करी करता है। इसीलिए उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और हर जगह की पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन ये सब करने के बाद अब वो दिन आ जाता है जब इसका पिकअप होने वाला होता है और जब पुलिस वाले उसे पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन अबिगेल अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और हुश भी। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी और इतना कहने के बाद अब हुश कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर में एक ट्रैकर लगाऊंगा। लेकिन रे इस बात के लिए मना करता है। तब ये दोनों कहते हैं कि इसके बिना हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तब रे भी मान जाता है और हुश रे के हाथ पे एक ट्रैकर लगा देता है और अब रे यहाँ से निकल पड़ता है उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे उसे पुलिस वाले पकड़ने वाले हैं और वो एकदम पॉइंट पे जाकर के खड़ा हो जाता है और ये लोग दूर से रे को देख रहे होते हैं। तभी रे के सामने आकर के एक काली वैन रुकती है और उसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं जो रे को जबरदस्ती भर लेते हैं उस गाड़ी में और इन्हें देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पुलिस वाले हैं और यही चीज अबिगेल को भी लगती है। लेकिन जब तक ये लोग नीचे जाते तब तक वो वैन निकल जाती है और अब रे को भी इस बात का एहसास हो चुका है। इसीलिए वो उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उन लोगों ने अब पकड़ रखा है रे को और वो उसके पूरे बॉडी को स्कैन कर रहे हैं ये कहीं उसके बॉडी में कोई ट्रैकर तो नहीं और थोड़ी देर के बाद उन्हें ट्रैकर मिल भी जाता है। इसीलिए यहाँ का एक आदमी चाकू निकालता है और वो उसके बाजू से उस ट्रैकर को बाहर निकाल देता है। लेकिन अब रे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर रहा होता है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी लोग रे के गले पे एक इंजेक्शन देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तभी हम हुश को देखते हैं और हुश को भी पता लग जाता है कि उन लोगों ने ट्रैकर को डिसेबल कर दिया है। इसीलिए अब हुश और अबिगेल पागल होने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और वो भी समझ जाते हैं कि रे अब किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तभी हम रे को देखते हैं जिसे किसी हेलीकॉप्टर से लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इन गार्ड्स को पता लगता है कि रे को फिर से होश आ गया है वो लोग उसे फिर से एक इंजेक्शन देते हैं और रे फिर से बेहोश हो जाता है। और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को जेल के अंदर पाता है। लेकिन यहाँ का नजारा देखने के बाद वो एकदम भौचक्का रह जाता है और वो देखता है कि उसे एक ट्रांसपेरेंट सेल में रखा गया है और इसे बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया है। और जब हम पूरे जेल को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि एक बहुत ही विशाल जेल है और यहाँ पे हर तरफ गार्ड्स फैले हुए हैं और उनकी नजर हर एक आदमी की गतिविधियों पे है क्योंकि सबका सेल ट्रांसपेरेंट है। और इस चीज को देखने के बाद अब रे की हालत खराब होने लगती है और वो कोने कोने को देखने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है गार्ड्स पे और वो देखता है कि सारे गार्ड्स ने यहाँ पे मास्क पहन रखा है और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही हिंसक है और बाकी जेल्स की तरह यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं है। इसीलिए अब रे की परेशानियां बढ़ने लगती है। तभी रे को पेश किया जाता है यहाँ के वार्डन के सामने और यहाँ के वार्डन का नाम है हॉब्स। तब रे कहता है कि मैं हार मान गया और मैं मान गया कि तुम्हारा जेल सबसे बेहतर है इसीलिए मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो एस्केप कोड बताता है और इस बात को सुनने के बाद हॉब्स चौंक जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। तब रे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी एस्केप कोड बताया है और तुम इस कोड का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद मुझे बाहर भेज दोगे। तब हॉब्स हंसने लगता है और कहता है कि मेरी जेल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और अब तुम पूरी जिंदगी यहीं पर रहने वाले हो। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए अब रे पागल होने लगता है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि किसी ने उसे जानबूझ के वहाँ पे फंसाया हुआ है कि वो कभी भी वहाँ से बाहर ना निकले। इसीलिए अब रे हर वक्त सोच में पड़ा रहता है। इसी बीच जब वो नीचे जाता है तब वो देखता है कि यहाँ के कैदी बहुत ही हिंसक है और अब इसे कैदियों से भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। लेकिन फिर भी रे कैसे भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है। इसीलिए वो सारी ही चीजों को बहुत ही ध्यान से देखता है कि उसे कहीं से कोई ना कोई छोटा सा रास्ता मिल जाए। इसीलिए रे यहाँ पे घूमने लगता है। तभी यहाँ पे हम इमिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अब कैसे भी रे से बातें करना चाहता है। तभी रे के पास एक आदमी आता है और वो उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे मार करके उसका नाक तोड़ देता है। और जब उसके आदमी रे को मारने आते हैं तभी यहाँ पर आकर के इमिल खड़ा हो जाता है और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। तब इमिल रे से बात करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। लेकिन रे कहता है कि मैं किसी के भी ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और वो फिर से अपने काम में लग जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इमिल उसके पास बार बार आते रहता है और ये समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तब उसे जरूर किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा। इसीलिए वो भी इमिल से बात करने लगता है। और अब यहाँ पे रे को इस जेल के बारे में बहुत सारी बातें पता लगती है कि ये एक प्राइवेट जेल है, अगर किसी ने कोई गुनाह ना किया हो और उसका दुश्मन इन्हें बहुत सारे पैसे दे दे तभी ये लोग उसे पकड़ करके यहाँ पे बंदी बना लेंगे। और यहाँ के 80% कैदी वैसे ही हैं जिन्हें उनके साथियों या फिर दुश्मनों ने यहाँ पे भिजवाया है। इसीलिए इन बातों को सुनने के बाद अब रे और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वो इमिल को कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तब मेरी मदद करो। और इमिल कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तब वो कहता है कि मुझे आइसोलेशन वार्ड में जाना है। फिर इमिल कहता है कि हो जाएगा। और इतना कहने के बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसीलिए जल्दी ही इन दोनों को बंद कर दिया जाता है आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन यहाँ का आइसोलेशन वार्ड बहुत ही गंदा है और बहुत ही खतरनाक है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उसके बाद हम
देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी हाइलोजन लाइट्स हैं और अब उन्हें ऑन कर दिया जाता है और उसके लाइट से ये लोग तड़पने लगते हैं और उसमें इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि अब इनकी हालत खराब होने लगती है और वो लोग इस चीज को झेल नहीं पाते हैं, इसीलिए लोग तड़पने लगते हैं। लेकिन रे यहाँ पर भी अपना काम कर रहा होता है और वो आसपास के दीवार को देखने लगता है और उसके साथ साथ वो नीचे की परतों को भी देखता है। तभी वो देखता है कि नीचे की परतों पे स्क्रू लगे हुए हैं और इसे देख करके वो समझ जाता है कि अगर यहाँ पे स्क्रू है तब इसे खोल सकते हैं और अगर यहाँ पे दरवाजा बनाया हुआ है इसका मतलब यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी होगा। तभी इन्हें वार्ड से बाहर निकाला जाता है और जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं अब इमिल रे से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पे क्या पता लगा। तब रे कहता है कि मुझे लगता है कि ये झील समंदर के किनारे है क्योंकि यहाँ के हवा में नमी है और जब मैंने दीवार से कान लगा करके सुना तब मुझे ये चीजें महसूस हुई। लेकिन मुझे बस अब एक और चीज की जरूरत है इस बात की पुष्टि करने के लिए, मुझे एक मेटल चाहिए और अगर मुझे वो मेटल मिल जाए तब कहीं मैं उसे तुम्हें बाहर निकाल सकूं। तब इमिल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेटल ला दूंगा लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है और उसके बाद भी अगर मैं यहाँ से रिहा नहीं हुआ तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो गार्ड से मिलता है और कहता है कि उसे हॉब्स से मिलना है और अब ये लोग इमिल को लेकर के जाते हैं हॉब्स के पास। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि आखिर इन लोगों ने इमिल को बंदी क्यों बनाया है। इमिल विक्टर मैनहम नाम के आदमी का सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और मैनहम को पूरी दुनिया रॉबिनहुड मानती है क्योंकि मैनहम ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को लूटा है और उनके सारे पैसे गरीबों में बांट दिए हैं। और अभी मैनहम के पास बहुत सारे पैसे हैं इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इमिल को पकड़वा दिया ताकि इमिल उन्हें बता दे कि मैनहम कहाँ पे है और उसके सारे साथी भी, क्योंकि अगर इन लोगों ने मैनहम को पकड़ लिया तब इन्हें अरबों डॉलर्स मिलेंगे और हॉब्स भी यही चाहता है, इसीलिए वो इमिल से ये बातें पूछने लगता है। लेकिन इमिल अब बातें बनाने लगता है और इस बात को सुनने के बाद हॉब्स गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो अपने साथियों को कहता है कि इसे सजा दो। फिर वो लोग इसके मुंह में एक पाइप डाल देते हैं जिससे बहुत सारा पानी गिर रहा होता है और अब देखते ही देखते इसकी सांसें बंद हो जाती है, तब वो लोग पाइप को हटा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इमिल यहाँ पे पड़ी हुई एक मेटल उठा लेता है और वो इसी काम के लिए यहाँ पे आया था और उसका काम हो गया, इसीलिए वो मेटल लेकर के नीचे पहुंचता है रे के पास और उसे मेटल देकर के कहता है कि अब तुम इसका क्या करोगे। तब वो कहता है कि अगर तुम मेटल के ऊपर टूथपेस्ट लगा दो और उसे हाइलोजन के सामने रखो तब उससे जो किरणें निकलती हैं उनका तापमान 200 डिग्री से ऊपर होता है और उस वार्ड के नीचे जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सब में जंग लगा होगा और अगर उन पे इतनी तेज रोशनी पड़ेगी तब वो अपने आप खुलने लगेंगे, इसीलिए अब मुझे फिर से आइसोलेशन वार्ड में जाना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और ऐसा ही होता है, यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और इन्हें फिर से डाल देते हैं आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन रे ने यहाँ पे इमिल को समझा करके भेजा है कि वो 5 मिनट के लिए सबको डिस्ट्रैक्ट करे और इमिल ऐसा ही करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रे अपने मुंह में टॉयलेट पेपर छुपा करके लाया होता है जिसे वो अपने आइसोलेशन वार्ड के कैमरे पे चिपका देता है, लेकिन उससे पहले ही उसने पिघला करके सारे के सारे स्क्रू खोल दिए हैं और अब वो नीचे जाता है। तब तक इमिल यहाँ पे वार्डन को उलझा करके रखता है और इसी तरीके से रे धीरे धीरे बाहर जाने लगता है और वो बहुत देर के बाद रास्तों को पार करके जैसे ही बाहर निकलता है उसे पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े जहाज पे है और ये जहाज समंदर के बीचों बीच है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वो ये भी नहीं समझ पाता है कि आखिर ये जहाज कहाँ पे है, इसीलिए वो निराश होकर के वापस आने लगता है। तब तक यहाँ पे सब जगह पानी भरने लगता है क्योंकि रे से गलती से एक टूटी टूट जाती है, इसीलिए सारे के सारे गार्ड सब सारे के सारे आइसोलेशन वार्ड्स को खोल रहे होते हैं और रे भी ऊपर आ रहा होता है। और जैसे ये लोग रे का वार्ड खोलते हैं तब तक रे ऊपर आ चुका होता है और अब यहाँ से जाने के बाद वो मिलता है इमिल से। तब इमिल पूछता है कि हम कहाँ पे हैं, फिर वो बताता है कि हम लोग एक बहुत बड़े जहाज पे हैं लेकिन ये जहाज कहाँ पे है हम बिल्कुल भी नहीं जानते क्योंकि अभी हम समंदर के बीचों बीच है, इसीलिए अब रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं इसका रास्ता निकाल लूंगा। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और रे और इमिल ऐसे ही प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हॉब्स को भी शक हो जाता है रे पे, इसीलिए वो अपनी खोजबीन शुरू कर देता है और अब हॉब्स को सारी बातें पता लग जाती है कि रे जेल तोड़ करके भागने में कितना ज्यादा माहिर है। और यहीं पर हम रे को क्लार्क से भी बात करते हुए सुनते हैं और हमें पता लगता है कि क्लार्क मिला हुआ है रे से और उसी ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है, इसीलिए अब हॉब्स पीछे लग जाता है रे के और वो उसका जीना दुश्वार कर देता है। वो उसे रात रात भर नहीं सोने देता है और वो उसकी ऐसी हालत कर देता है कि रे कुछ भी नहीं सोच पाता है और वो 24 घंटे रे पर नजर रखता है क्योंकि वो जानता है कि रे कोई प्लानिंग कर रहा होगा। और जल्दी ही रे को भी इस बात का आभास हो जाता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए जब एक दिन हॉब्स उसके पास आता है तब वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने दो तब मैं तुम्हारे लिए मैनहम का पता बता सकता हूँ क्योंकि इमिल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो मुझ पर विश्वास करने लगा है और वो बहुत ही तगड़ा आदमी है। तुम लोग उसकी जान भी ले लोगे फिर भी वो मैनहम के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन अगर मैं उससे पूछूं तब वो धीरे धीरे मुझे सारी बातें बता देगा। तो सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि जिसने भी मुझे यहाँ भेजने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं अगर तुम मैनहम को पकड़ लो तो तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो अब निर्णय तुम्हारा है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद हॉब्स कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मैनहम का पता बता दो तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, इसीलिए अब रे एक बार फिर से काम पे लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एबिगेल को और एबिगेल बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उन्हें जो $5 मिलियन का चेक मिला था वो चेक भी होल्ड पे चला गया है, इसीलिए वो क्लार्क से बात करने जाती है। लेकिन क्लार्क उसे रुकने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ऐसा होते रहता है, इसीलिए अब एबिगेल को भी क्लार्क पे शक होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो काम पे लगा हुआ है और उसने इमिल को
ये सारी बातें बता दी हैं कि उसने हॉब्स के साथ क्या सौदा किया है, इसीलिए वो बीच बीच में हॉब्स से मिलता है और उसे मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है जिन कहानियों में थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है, जो उसे ईमिल बताता है ताकि हॉब्स का विश्वास बना रहे। इसी बीच ईमिल पूछता है कि आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा आदमी होगा जो हमेशा जेल में आना चाहेगा और तुम ये काम क्यों करते हो। तब रे यहाँ पे अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो पहले एक वकील हुआ करता था, लेकिन उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को सजा दिलवाई, लेकिन वो मुजरिम जैसे ही जेल गया उसके बाद वो वहाँ से भाग गया क्योंकि वो जेल से भागने में एक्सपर्ट था, और फिर उसने मेरे परिवार को ढूंढ लिया और मेरे बीबी और बच्चों को मार दिया। तब से मैं जेल की सेफ्टी पे काम करने लगा ताकि कोई भी मुजरिम कभी भी जेल से ना भाग सके। लेकिन अवरे का अगला टारगेट है कि वो इस जगह के लोकेशन का पता लगाए, इसीलिए वो एक छोटा सा कंपास बनाता है और कहता है कि इस कंपास को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा और ये काम सिर्फ और सिर्फ जावेद कर सकता है, और जावेद यहाँ का एक कैदी है जो ईमिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन रे कहता है कि उसे बाहर निकलने का लालच दो, और जब ईमिल उससे बात करता है तब जावेद भी मान जाता है, और अब जावेद जाता है हॉब्स के पास और उसे कुछ जानकारियां देता है और बदले में कहता है कि मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़नी है, और हॉब्स भी मान जाता है। इसीलिए लोग रात को जावेद को भेजते हैं छत पे, और वहाँ अब जावेद उस कंपास का इस्तेमाल करता है और वो सारे के सारे नंबर्स लिख करके लाता है जिसमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं, और जब रे उन्हें देखता है तब उसे पता लगता है कि वो मोरक्को के नजदीक है। इसीलिए अब रे ये सारी बातें बताता है ईमिल को और कहता है कि हमें किसी तरीके से इस लोकेशन को बाहर भेजना पड़ेगा अपने किसी आदमी के पास जो हमें यहाँ तक पिक करने के लिए आ सके, और वो आदमी मोरक्को के आसपास का ही होना चाहिए, तभी कहीं हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तब इस बात को सुनके ईमिल कहता है कि मोरक्को का मेरा एक दोस्त है जिस पर मेरे बहुत सारे एहसान है, और अगर उसके तक ये संदेश पहुँच जाए तब वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अब इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये संदेश को भेजेगा कौन। तब रे कहता है कि यहाँ का डॉक्टर, इसीलिए अब ईमिल रे के पैर पे घाव दे देता है, और ये जैसे उस डॉक्टर से मिलता है वो उसे अपनी सच्चाई बताता है, और वो अपने द्वारा लिखी हुई एक किताब के भी बारे में बताता है जो वार्डन के ऑफिस में होती है। और जब वो डॉक्टर उस किताब को पढ़ करके आता है तब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि रे उसे बताता है कि उस किताब को मैंने ही लिखा है, और अब वो उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है और उसे वो संदेश भी देता है, और डॉक्टर भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसीलिए अगले दिन वो संदेश भेज देता है और ये संदेश पहुंच जाता है ईमिल के दोस्तों के पास। इसीलिए अब वो घड़ी आ जाती है जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर निकलने से पहले यहाँ पे इन्हें बहुत बड़ा हंगामा करना है ताकि सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे आ जाए और ये तीनों चुपके से निकल सके। और ऐसा ही होता है, जब यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मचती है तब इसी बीच ये तीनों निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही हॉब्स को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो अपने सारे गार्ड्स को भेजता है इन तीनों के पीछे, और सारे लोग इन तीनों पे गोलियां चलाने लगते हैं और ये लोग ऐसे ही भागते जाते हैं। तब रे सबसे पहले यहाँ के सीसीटीवी कैमराज को बंद करता है, लेकिन हॉब्स बहुत ही चालाक है, वो जल्दी यहाँ के सारे दरवाजों को लॉक करवा देता है। तभी जावेद को भी गोली लग जाती है, और इन सारी चीजों को देखने के बाद रे कहता है कि तुम ऊपर जाओ और अब मैं जा रहा हूँ कंट्रोल रूम में, और मैं जल्दी यहाँ के सारे सिस्टम्स को बंद कर दूंगा, तब तुम दोनों ऊपर निकल जाना। तभी हम देखते हैं कि ईमिल के साथी भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेकर के आ चुके हैं, और इतना कहने के बाद अब रे निकल जाता है। तब ईमिल जावेद को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जावेद कहता है कि मुझे गोली लगी है और मैं मरने ही वाला हूँ, इसीलिए मेरा जाना किसी काम का नहीं है, तुम जाओ तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ। इसीलिए अब ईमिल यहाँ से निकल जाता है और जावेद बंदूकों से इन सारे गार्ड्स को रोकने लगता है, लेकिन देखते ही देखते ये सारे के सारे गार्ड्स उसे भून करके रख देते हैं। तब तक रे पहुंच जाता है कंट्रोल रूम में और वो सारे के सारे दरवाजों को खोल देता है और ईमिल चला जाता है ऊपर, लेकिन अब हॉब्स फिर से सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए सारे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। तब तक ऊपर ईमिल हेलीकॉप्टर में चला जाता है और वो सारे गार्ड्स पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब हॉब्स देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे रे नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो सोचने लगता है कि अब रे क्या प्लानिंग कर रहा है। तभी हम रे को एक टंकी में देखते हैं और यहाँ पे हमें रे की मास्टर प्लानिंग पता लगती है। उसने एग्जॉस्ट को शेड्यूल कर दिया था जब टंकी का सारा पानी बाहर गिरने वाला है, और हॉब्स इस बात को समझ जाता है, लेकिन जब तक वो इस बात को समझता तब तक यहाँ का फ्लश ऑन हो जाता है और उसी पानी के साथ रे भी बाहर बह जाता है और वो ऊपर तैरने लगता है। तभी ईमिल उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसके लिए नीचे सीढ़ियां फेंकता है। तब रे सीढ़ियों से लटक जाता है हेलीकॉप्टर के नीचे। तब तक हॉब्स ऊपर आ चुका होता है, इसीलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगता है। तब रे एक बंदूक मांगता है और वो देखता है कि नीचे ही बहुत सारा केमिकल पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उन केमिकल्स पे गोली चलाता है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और इसी ब्लास्ट में हॉब्स भी मारा जाता है, और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं मोरक्को। तभी रे यहाँ पे देखता है जेसिका को, और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि जेसिका कोई भी CIA एजेंट नहीं है, और अब यहाँ पे उसे एक और बात पता लगती है कि ईमिल ही मैनहेम है और वो अब तक सबको बेवकूफ बना रहा था, और उसने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, और इसकी बेटी ने ही ये सारी प्लानिंग की थी, और जैसा नाम रे को दिया गया था वो नाम एक कोडवर्ड था ईमिल के लिए। इसीलिए ईमिल ने जैसे ही रे का नाम सुना वो समझ गया कि यही आदमी उसे बाहर निकाल सकता है, फिर वो रे के साथ लग गया और उसका दोस्त बन गया। इसीलिए अब रे इन सारी बातों को सुन करके हंसने लगता है और कहता है तब ये सारा का सारा काम सिर्फ तुम्हें छुड़ाने के लिए हुआ है। और जेसिका कहती है कि हाँ, लेकिन जेसिका की भी मुसीबतें बढ़ा दी थी क्लार्क ने, क्योंकि क्लार्क मिला हुआ था हॉब्स से, इसीलिए अब रे यहाँ से वापस जाता है। तभी उसे एबिगेल बताती है कि पुलिस वालों को पता लग गया है उस जेल के बारे में,
जो जेल समंदर में था, इसीलिए वहाँ पे उनका रेड पड़ा है और अब पूरे जेल को बंद कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अब इन लोगों ने क्लार्क के बारे में भी सारी बातें पता की हैं कि क्लार्क उस जेल का सीईओ बन गया था और उन लोगों ने उसे साल में $5 बिलियन देने का वादा किया था। इसीलिए उसने सबके साथ गद्दारी की और वो नहीं चाहता था कि तुम जेल से बाहर आओ। इसीलिए अब ये लोग ढूंढने लगते हैं क्लार्क को और थोड़े दिनों के बाद इन्हें क्लार्क मिल भी जाता है और वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है उसे ये लोग बेहोश कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को उसी गाड़ी में पाता है, लेकिन अब ये गाड़ी एक कंटेनर के अंदर है और ये कंटेनर एक कार्गो शिप पे है और वो शिप समंदर के बीचों बीच है। इसीलिए अब उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला और वो ऐसे ही रहने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।